वासो न्यूज में स्वागत है आपका। मैं सरदार विजयनगर का कुडल की यहाँ पर जो मुख्य अधिकारियों की यहाँ पर ऑफिस है, यहाँ पर हर कोई जरूरतमंद जो भी सरकारी ऑफिस का जो भी कागजात हो या जो भी हो यहाँ पर आना इस तालुक में जरूरी पड़ता है। मगर यहाँ पर इस तालुक की अगर ऑफिस ही गंदगी से भरा है तो शहर को क्या सुधार सकते हैं ये अधिकारी। अब तो यहाँ पर इतनी गंदगी बन चुका है ताकि जहाँ देखो वहाँ पर गुटखा खाकर ऑफिसों में जहाँ देखो वहाँ थूकते हैं, गंदगी करते हैं और यहाँ के ऑफिसर बिल्कुल ही लापरवाही से अपनी यहाँ पर नौकरी करते हैं और अपने घर चले जाते हैं। फिर यहाँ पर इतना गंदगी देख रहे हैं आप स्क्रीन में, कितनी गंदगी है यहाँ पर, कोई अधिकारी है या नहीं, कोई पूछ पाता या नहीं, या ये पूरा अनाथ हो गया है या ऑफिस, क्या यहाँ पर कोई लोग ऑफिस के आगे आंदोलन करने से क्या सुधर सकता है? यहाँ पर बिल्कुल ही ऐसा सुधर नहीं पा रहा। बारिश का पानी आ जाता है तो यहाँ वहां से लोगों को गुजरना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर यहाँ जहाँ पर भी देखो वहां पर यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है, पूछताछ भी कर रहे हैं, जहाँ देखो वहां पर गुटखा खाकर थूकना ही थूकना हो गया है। ये ऑफिस है या फिर कचरे का कुंडा है या फिर क्या, ये किस तरह का इस ऑफिस को नाम दिया जाए बिल्कुल समझ के बाहर आ गया है। ताकि आप यहाँ पर कितनी गंदगी है, कैसे इस शहर में लोग रहते हैं, कैसे जीते हैं, कैसे लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, यहाँ पर कैसे कैसे अधिकारी है, क्या बिल्कुल ही इतनी ही लापरवाही, तो शर्म आना चाहिए आपको। आपकी जनता के पैसों से ही आप तनख्वाह लेते हैं, सरकारी काम करते हैं, बिल्कुल उतना ही क्या आपका घर भी इसी तरह जहाँ देखो वहाँ पर अगर गुटखा खाकर थूका है क्या आपको अच्छा लगता? ये भी आपकी रोजी है, यहाँ पर भी आपकी जीवन है। आप पहले जहाँ पर रोजी होती है, जहाँ पर आपका बसेरा होता है, चलना पड़ता है और वहाँ का देखभाल करना आपका कर्तव्य होता है। आप ऑफिस ही इस तरह करते हैं तो शहर का क्या होगा? हमारे महात्मा गांधी जी ने जो सपना देखा था स्वच्छ भारत, क्या इसी तरह आप अधिकारी इस तरह ऐसा करने लग गए तो श्री महात्मा गांधी जी का सपना ही रह गया। देखेंगे एक रिपोर्ट में।
ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಸರ್. ಏನ್ ಸರ್ ಸಮಸ್ಯೆ? ಕ್ಲೀನ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ. ಏನಿದೆ ಸರ್ ಸಮಸ್ಯೆ? ಇಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲೇ ಸಮಸ್ಯೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬರ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಈ ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಅವರವ್ರ ಕೆಲಸ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗಿ ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಮತ್ತು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಯಾರ್ದು ಕೆಲಸ? ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬರ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಗಲೀಜು ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ, ಇದು ನೋಡಿ, ನೀವೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕು, ನಮ್ದೇ ಅಲ್ವಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಿಸಲ್ಲ ಸರ್, ಏನಾಗಲ್ಲ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಿಸಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಿಸಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ ಸರ್, ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪಾಪ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಇರ್ಬೋದು ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ ಧೂಳು ಹಿಡಿದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ, ಧೂಳು ಹಿಡಿದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಧೂಳು ಹಿಡಿದು. ಒಂದು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಆಫೀಸ್ ಕಚೇರಿ ಅಂದ್ರೆ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಇದು ಹಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಎಲ್ಲ ಸಂಪರ್ಕ ಇರ್ತದೆ ಆಫೀಸ್. ಇಷ್ಟು ಧೂಳು ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಕಸ ಅಂತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕಸನೇ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ಸ ಸರ್. ಕಸನೇ ಅನ್ನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರ, ದುಡ್ಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ದುಡ್ಡಿದ್ದು.